मनो मे पाच प्रतिष्ठितम् आविराभिर्मेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु मां। अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय
सब जानत प्रभु
प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित करिनाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्हन कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सुफल निज बानी। तेही बल मैं रघुपति गुन गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो अपार अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। इति तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि ईश्वर का वर्णन दो रूपों में होता है शास्त्रों में, एक निरुपाधिक रूप से और एक सोपाधिक रूप से। तो ये जो आधार है इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसमें इस शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ईश्वर हो अथवा जीव हो, दोनों का ही जब वर्णन होता है तो उसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि यह वर्णन सोपाधिक है या निरुपाधिक है। दोनों वर्णन होते हैं। यहाँ पे जो एक चीज सामने आती है वो ये है कि जो दोनों वर्णन हैं तो ईश्वर के बारे में, लेकिन बिल्कुल परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ग्रंथ जो है वो विरुद्ध भासता है, विरुद्ध बोल रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसी तरह से जीव के बारे में भी जब दोनों प्रकार से निरूपण होता है तो बिल्कुल ही विरुद्ध होता है, अत्यंत एब्सोल्युटली कंट्रोडिक्टरी स्टेट्समेंट्स आते हैं। और वहाँ पे जो व्यक्ति है अगर वो परंपरा से अनुग्रहित न हो गए तो वो जरूर भ्रमित होता है कि ये क्या है, ये आपस में विरोध करते हैं। गीता जी में भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे भूत मुझ में रहते हैं। फिर अगले ही श्लोक में बोलते हैं, न च मत्स्थानी भूतानी, मुझ में कुछ नहीं रहता। अब वो पढ़ने वाले को लगता है कि एक बात कहो आप,
ये अपने ही बारे में बिल्कुल विरुद्धम भाष से, कोई एक बात तो निश्चय करो। उन्होंने कहा मया ततमिदम सर्वम, मुझसे पूरी दुनिया व्याप्त है। फिर कहा न चाहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं। अरे पूरी दुनिया में यदि व्याप्त हो तो आप उनमें क्यों नहीं हो? उनमें नहीं हो तो व्याप्त कैसे हुए? तो ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से गीता पढ़ी, परंपरा के प्रति उनको कोई आदर नहीं है, तो वो देखते हैं ग्रंथ किताब लिखते हैं। भगवान के गीत में, भगवान सब तो नहीं बोलते, कृष्ण के गीत में विसंगतियां यानी कंट्राडिक्शंस इन सॉन्ग्स ऑफ कृष्णा। अब वो किताब लिखेंगे मेहनत करके, फिर छपवाएंगे, फिर वो कोई खरीदेगा तो नहीं, तो वो लोगों को भेंट करेंगे, घर जाने पे भेंट करते हैं, और मुझे कुरियर से भिजवाया। मैंने कहा भाई मुझे, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो भिजवाया। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जवाब देने लायक बात नहीं है, और मैं कोई वहाँ वकालत करने नहीं बैठा हूँ कि आप, अरे आपको जिज्ञासा करना चाहिए बजाय इसके कि निर्णय देना चाहिए। जिसको संशय है उस संशय का सात्विक रूप है जिज्ञासा। जिज्ञासा में भी संशय होता है, जिज्ञासा में भी प्रश्न होता है, लेकिन संशय काटने के लिए होता है और जिज्ञासा जानने के लिए होती है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो जिसको तो शंका है, शंकालु व्यक्ति है, तो अज्ञानी होना हमारा अपराध नहीं है, वो तो हम नैसर्गिक रूप से अज्ञानी हैं, और अज्ञानी के मन में प्रश्न आवेगा ये भी ठीक है, लेकिन अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, जब दो चीज कंबाइंड होती हैं, गीता जी में लिखा ये, संशयात्मा किसको बोलते हैं इसकी परिभाषा दी, याद रखना बच्चे लोग, एक तो अज्ञानी है, दूसरे श्रद्धा नहीं है। तो when these two are combined, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा, उसका परिणाम क्या? बोले विनश्यति। अज्ञानी होने से नाश नहीं होगा, अज्ञानी होकर के अगर कोई जिज्ञासु हो जाए तो बहुत अच्छा है, तब तो उसको रास्ता मिल गया, लेकिन अज्ञानी है और शंकालु है माने श्रद्धा रहित है, तो श्रद्धा भी नहीं ज्ञान भी नहीं, तो हमारा नाम पड़ता है संशयात्मा और परिणाम होता है विनश्यति। वो फिर ऐसी किताबें लिखेगा उटपटांग। तो ईश्वर के बारे में अथवा जीव के बारे में, दोनों ही बारे में हमारे सारे शास्त्रों में, वेद से लेकर के रामायण तक, ये दोनों तरह से निरूपण होता है, सोपाधिक निरुपाधिक, सोपाधिक निरुपाधिक। और मैंने निवेदन किया कि ये दोनों जो निरूपण हैं वो अत्यंत विरुद्ध होते हैं, ये दिस इज अ नेचर। तो अब जब गोस्वामी जी से कहा गया कि आप प्रभु का यश गान करने जा रहे हो, तो उनको क्या समझ के वर्णन करने जा रहे हो,
और गोस्वामी जी भी ये कहते हैं कि पहले ऐसा समझ लो फिर वर्णन करो। बुध बर नहीं हरिजस, तो हरिजस बुध बर नहीं, भगवान के यश का वर्णन करना ही चाहिए, क्योंकि उससे वाणी पवित्र होती है, चित्त निर्मल होता है। प्रभु के यश का वर्णन करना अपने आप में भजन है, इसलिए करना ही चाहिए। लेकिन अस जानी, पहले ठीक ठीक से उनके बारे में जानो फिर उनका वर्णन करो। तो जानने में निरुपाधिक को भी जानो और सोपाधिक को भी जानो। एक को जानना जो है वो अधूरा है, और वो अधूरा ज्ञान तो परेशान करता है। तो पहली पंक्ति जो बताई गोस्वामी जी ने वो बिल्कुल निरुपाधिक है। एक अनीह, अनीह माने निर्विकार, कल हमने निवेदन किया। एक अनीह अरूप, अनामा, नाम नहीं है उसका कोई, रूप नहीं है उसका कोई, उसमें किसी प्रकार की क्रिया विक्रिया संस्क्रिया नहीं है। और वो एक है, दस पांच नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा अज, अज माने सदा से है, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था। इसको पारिभाषिक शब्द में बोलते हैं प्रागभाव कभी नहीं हुआ। यस्य प्रागभाव न विद्यते तस्य जन्म न, तस्य जन्म न संभवति। जिसका प्रागभाव नहीं होता उसका जन्म संभव नहीं है। प्रागभाव माने पहले का अभाव, जैसे घट पहले नहीं था तब बनाया गया तो उसका जन्म हुआ। घर में एक बच्चा नहीं था फिर उसका जन्म हुआ। जो बच्चा पहले से ही है उसका जन्म क्यों होगा? तो जन्म होने के लिए यह शर्त है कि उस चीज का पहले प्राग अभाव होना चाहिए। जो सत वस्तु है, गीता में लिखा न अभावो विद्यते सतः, जो सद वस्तु है उसका कभी अभाव होता ही नहीं। होता ही नहीं तो जन्म क्यों होगा? अभाव हो ही नहीं सकता तो मरण कैसे होगा? ये बोलते हैं अज, उस है कैसा स्वरूप लक्षण उसका क्या है? बोले आनंद, यही उसका स्वरूप है। आनंद है तो चेतन है, और चेतन है आनंद है तो सदरूप है, असदरूप तो नहीं हो सकता। असद कोई चीज थोड़ो होती है। तो एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है आनंद जो है। एक तो होता है इमोशन, आनंद होता है एक तो फीलिंग, यू नो, और एक होता है आनंद तत्व। वो फीलिंग नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो संवेदना नहीं है, बल्कि स्वयं ही तत्व है। तो यदि हम केवल उस आनंद से परिचित हैं जो फीलिंग के रूप में आती है, उस आनंद से परिचित हैं जो इमोशंस के रूप में आता है, तो एक्चुअली वी हैव नॉट रियलाइज्ड द रियल आनंद। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद तो ब्रह्म का दूसरा नाम है और इसको जानना है, ये श्रुति माता बोलती हैं। रसो वै सह
भूमा वै सुखम, ये वेद के वाक्य हैं। भूमा वै सुखम नास्त्यल्पे सुखम अस्ति, सामवेद में आता है ये मंत्र। भूमा, ये ऐसे डिक्लेरेशंस हैं जो बुद्धि की गणित से नहीं निकलते, इसीलिए तो वेद अपौरुषेय है। अब सीधे स्टेटमेंट देते हैं, भूमा वै सुखम, भूमा माने जो व्यापक है, अनंत है। भूमा वै सुखम, जो अनंत है वह सुख रूप है। नास्त्यल्पे सुखम अस्ति, जो अल्प है उसमें सुख नहीं है, ऐसा वेद ने कहा। अब उनको कोई जस्टिफाई नहीं करना है अपना स्टेटमेंट। नाउ आई हैव टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट इज नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव डिक्लेयर्ड, दे माने ये तो अनादि वेद है, अपौरुष है, डिक्लेरेशन इज देयर। कोई महापुरुष होता है जो उस डिक्लेयर को, उस डिक्लेरेशन को अनुभव करता है, रियलाइज करता है कि ओ यस, अल्पे सुखम नास्ति, भूमा वै सुखम, रसो वै सह, आनंदम ब्रह्मेति यजानात। आज तो ईश्वर क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है उसका, बोले आनंद रूप है। आनंद कभी जड़ नहीं होता, तो आनंदत्वा चिन्मय, इस तरह से संस्कृत में बोलते हैं। आनंद होने के कारण ही वो चेतन है और है, इसलिए सद्रूपा, इसलिए शब्द बनता है सत चेत आनंद। परधामा, वही परम आश्रय है, सारे जीवों का परम आश्रय शरण स्थान वही है। तो इसका ये वाला ऐसी इन लोगों को शायद ठंडा कर रहा है, उसको जरा नंबर बढ़ा दो, 26-27 कर दो उसको, तो हवा चलेगी, ठंडक कम होगी। मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक। तो ये हाथ में देखो क्या दे दिया भगवान ने। तो ये है उसका स्वरूप लक्षण। यहां तक तो निरुपाधिक है, अब सोपाधिक शुरू करते हैं। व्यापक माने जगत की उपाधि से, माने जगत को बीच में रख के जब हम ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर व्यापक है। किस रूप में व्यापक है, बोले क्योंकि ईश्वर ही जगत का कारण है। कारणत्वेन व्यापकः, कारण हमेशा कार्य में व्याप्त होता है। कल दृष्टांत दिया था मैंने, जैसे मिट्टी घट में व्याप्त है, जैसे पंचभूत जो है वो हमारे शरीरों में व्याप्त है क्योंकि कारण है। आपका प्रचलित दृष्टांत है कि आभूषण में सोना व्याप्त है, इत्यादि इत्यादि। तो कारण का जब अनुसंधान करता है साधक तो पंचभूत तक जाएगा, द्रव्यों तक जाएगा, ऊर्जा तक जाएगा, प्रकृति तक जाएगा। ये त्रिगुण से सृष्टि बनी है, इसलिए त्रिगुण सारी सृष्टि में व्याप्त है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, असल में सृष्टि सच्चिदानंद से बनी है, इसलिए सच्चिदानंद व्याप्त है सृष्टि में, व्याप्त नहीं है, बल्कि वही उस रूप में स्फूर्यमान हो रहा है, भासमान हो रहा है। ये विश्व रूप, पहले व्यापक बोलते हैं फिर बोलते हैं विश्व रूप, व्यापक विश्व रूप भगवाना, कल हमने यहां तक देखा था।
तो जब हम ऐश्वर्यों को देखते हैं, कोई जब ऋषि मुनि जब समझता है कि सृष्टि में तो साधारण को असाधारण बनाने वाली चीज क्या है, सृष्टि में हम सभी लोग आदमी ही हैं, लेकिन एक आदमी शासन करता है और एक आदमी शासित होता है, तो व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल। तो हम लोग तो ज्यादा सोचते नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ सोचते हैं, लेकिन शास्त्रों ने बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि कुल मिला के सारी सृष्टि में केवल 6 ऐश्वर्य हैं। मैंने व्हाट ए रिसर्च। अभी तक मैंने भी कुछ जोर लगाया था, खुजली होती है बुद्धि में कि सातवां ऐश्वर्य भी समझ में आ जाए, तो आई डिडंट फाइंड, मिला नहीं मुझे। केवल 6 ऐश्वर्य हैं, और सच्चाई तो यह है कि एक बूंद एक ऐश्वर्य का जीवन में आ जाए तो वह आदमी स्पेशल हो जाता है। देखो कैसी विचित्र बात है, किसी में बल ही अधिक हो जाए ही विल बिकम स्पेशल, किसी में धन अधिक हो जाए इमीडिएटली, किसी में ज्ञान अधिक हो, आजकल बोलते हैं नॉलेज इज पावर, देखो, और किसी में वैराग्य हो तो वो सबसे ताकतवर व्यक्ति है, ते शाहन के शाह लोग बोलते हैं। सिकंदर को कहा हट जाओ धूप आ रही है, उसने कहा मांगो मैं विश्व विजयी सिकंदर हूं, उसने कहा धूप रोक रहे हो हट जाओ। अब वो वैराग्य का बल था, सिकंदर को लगता है बताओ ये कैसा आदमी है, जिसको जिनको कछु न चाहिए मनवा बेपरवाह। हाँ आखिरी पंक्ति बीच में एक और शब्द है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, दिन को कछु न चाहिए ते शाहन के शाह। एक वैराग्य का बल आ जाए तो देखो क्या होता है। कोई मुक्त हो तो वेद किंकरो न भवति, मुक्त को तो वेद भी आज्ञा नहीं दे सकता, ऐसा शब्द लिखा भाष्यकार के यहां, वेद किंकरो न भवति मुक्त। भाष्यकार ने लिखा निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता, को विधि को निषेध, जो त्रिगुणातीत तत्व में रमण कर रहा है उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। एक एक चीज आ जाए तो क्या बात है, किसी में 2-3 चीज का कॉम्बिनेशन हो तो ही विल सर्टेनली विदाउट एनी डाउट ही विल रूल। बोलो लवलेस ते जीते हो चराचर झारी, रावण को भगवान हनुमान जी बोलते हैं, थोड़ा सा बल विवेक वहां से आ गया तुम में तो तुमने त्रिभुवन को विजय कर लिया। ये तुम में कण है, जो समुद्र है वो श्री राम है। तो 6 ऐश्वर्यों का जिसमें निवास है नित्य समग्र रूप से, ध्यान रखना जीव में नित्य निवास नहीं होता, किसी में सदा बल नहीं होता, सदा धन नहीं होता, सदा विवेक नहीं होता, और समग्र तो होता ही नहीं, एक कण होता है। हम लोग उतने पे ही कण से अकड़ जाते हैं। माने हमारी हम लोगों की अविवेक की स्थिति ऐसी है कि हमारे भीतर है तो कण और अकड़े घूम रहे हैं कि हमारे पास इतनी बुद्धि है इतना बल है तो कहां से आया। भगवाना
जब हम जगत में ऐश्वर्यों की बात करते हैं तो सोर्स के रूप में, सारे ऐश्वर्यों के स्रोत के रूप में जो तत्व दिखाई देता है उसका नाम है ईश्वर, भगवान। ये भी उपाधि है, व्यापक भी उपाधि है, विश्वरूप भी उपाधि है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, उपाधि माने किस चीज को मैं बीच में डाल के ईश्वर को समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। नाउ, और वो जो बीच में जो चीज डाली है, इट विल सर्टेनली अफेक्ट माई परसेप्शन, नॉट द परसीव्ड। हाँ, ये ध्यान में रहे। आई हैव created a medium in between, it will affect my perception, not the thing which is being perceived. उपहित को प्रभावित नहीं करती उपाधि, उपलब्धा की उपलब्धि को प्रभावित करती। तो मैंने ऐश्वर्य को बीच में डाला कि ये दुनिया में जो ऐश्वर्य लोगों में थोड़ा 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 दिखता है, ये आखिर कहां से आता है, सोर्स क्या है, इसका पावर हाउस कहां है। हमारे नल में पानी आता है, इसका कोई सागर होना चाहिए। इट कांट बी फ्रॉम जस्ट टंकी। ये तो बहुत ही अल्पबुद्धि है कि नल में पानी कहां से आया, बोले टंकी से। व्हाट इज दिस, आजकल बिल्कुल कटे हुए बच्चे हैं मानो। दूध कहां से आएगा, बोले फ्रिज से। फल कहां से आएगा, फ्रिज से। मैंने उन्होंने देखा ही नहीं गाय को, देखा ही नहीं वृक्षों को, वो सब वहीं से निकलता दिखाई देता है। तो तो ये बल, वीर्य, ऐश्वर्य, विवेक, ये जो है कहां से आया, बोले उनकी कृपा हो गई। वो सज्जन थे नेताजी, उन्होंने सिफारिश कर दी, ये भाई है टंकी से आया। बलि नाम वही बलि। ओ, जो बलियों का बल है, बलम बलवतामस्मी, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। जो चीज है उसका एक सागर जरूर होगा, ध्यान रखना। अगर हमारा शरीर पंचभूत का एक छोटा सा टुकड़ा है तो विराट पंचभूत है, ठीक है ना। ये थोड़ा बोल सकते हैं कि बस पंचभूत इतना ही है, कहां से आया। अरे कहां से आया माने क्या, अनंत पंच महाभूत है। पृथ्वी तत्व व्यापक है, जल तत्व व्यापक है। तो जो चीज का एक टुकड़ा दिखता है उसका एक विराट रूप जरूर होता है। आप में हम में बुद्धि दिखती है जितनी भी है, तो आप क्या बोलोगे कि विराट नहीं होगा बुद्धि का। अगर हमें आप में थोड़ा ज्ञान दिखता है तो कोई ज्ञान सागर भी होना चाहिए। ज्ञान सागर होगा तो उसको सर्वज्ञ ही तो बोलेंगे। हमें थोड़ा बल दिखता है तो बल का कहीं तो कोई सोर्स होगा जो बल का सागर होगा, उसको सर्वेश्वर तो बोलना ही पड़ेगा। तो आप उपाधि को बीच में डालो तो फिर ईश्वर ऐसा दिखने लगेगा। तो इस रहस्य को समझना है। तो एक तो जगत की उपाधि हो गई, ऐश्वर्य की उपाधि हो गई, अब भक्ति की उपाधि डाल के फिर जब ईश्वर को हम देखते हैं, भक्त हृदय है, बिल्कुल शरणागत है, तो भक्त हृदय की उपाधि बीच में आई, भक्ति की उपाधि डाली, और फिर किसी प्रसंग विशेष में
मदद मांगने की जरूरत पड़ी तो प्रार्थना आई, उसी हृदय में प्रार्थना आई। तो भक्त की प्रार्थना की उपाधि से वह जो अनीह अनाम अरूप परमात्मा है वो देह धारण करता है। हो गया ना कंट्रडिक्शन। ते ही कोई और नहीं, ते ही पंक्ति देखना, ते ही धरी देह। ध्यान रखना ये बात किसी धर्म में नहीं समझी गई। इसको बोलते हैं अवतारवाद। उपाधि निरुपाधि की जब बात नहीं समझते तो फिर अधूरा ही रहता है, या तो इस तरफ या उस तरफ। तो सबने लगभग सोपाधि को ही समझा है और सोपाधि में भी सब कुछ नहीं समझा। माने क्योंकि अल्लाह ताला भी एक जगह पे रहते हैं, तो निरुपाधि हुए कि सोपाधि हुए, एक जगह होंगे, उनका एक रूप होगा। कोई कहते हैं दाढ़ी है, कोई कहता नहीं है, माने ये सब बातें होती हैं। क्राइस्ट इज द ओनली सन ऑफ गॉड, तो पिताजी कहीं तो होंगे ना फिर वो। तो हमारे जो भक्ति संप्रदाय के आचार्य लोग हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे, वहीं से लिया है उन लोगों ने। वैकुंठ में रहेंगे तो वैकुंठ में रहेंगे तो एक रूप होगा हमेशा, और एक नाम भी होगा, और बैठने के लिए सिंहासन भी होगा, और सेवक भी होंगे। फिर तो यही बात होगी, कैलाश में रहते हैं तो जरूर एक रूप होगा, एक नाम होगा। वो तो फिर इम्पॉसिबल है। आप एक तो आपने सोपादि को समझा, जो सोकाल्ड जो निर्गुणवादी हैं वो सोकाल्ड हैं, ध्यान रखना। रहीम माने होता है कृपा, तो अगर वो रहीम है तो इसका मतलब कृपालु है। कृपालु गुण है कि निर्गुण है? ये क्या बात कर, बिना जाने ही सब चीजें चलती रहती। तो पहले आप पक्के तौर पे निरुपाधि को समझो, इसलिए पहली पंक्ति में गोस्वामी जी उसको पहले बोलते हैं। फिर समझ में आएगा कि अच्छा, जब उपाधि की बात करोगे तो उपाधि अनेक होती हैं, तो ईश्वर भी अनेक रूप में भासेगा। वो व्यापक भी भासेगा, वो विश्व रूप भी भासेगा, वो भगवान होकर के भी भासेगा। इतना ही नहीं, अगर भक्त हृदय की प्रार्थना की उपाधि से उपहित हो जाए तो फिर वह अवतारी के रूप में भासेगा। फिर तो ध्रुव जी के सामने विग्रह लेके प्रकट होता है, ते ही धरि देह, तो शंख से उनके गाल को छूते हैं। ध्रुव जी जो है ना, वो प्रार्थना करना चाहते थे, वे जो 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं थी। तो भगवान ने देखा कि रे ये कुछ हमारी स्तुति करना चाहता है, तो पस्पर्श बालम कृपया कपोलम। आहा, भागवत में श्लोक आता है, वो बालक को कपोलम गाल जो है उसका, उस पर पस्पर्श शंख का स्पर्श किया। भगवान विष्णु का जो शंख है ना, वो वेद का रूप है, ध्वनि है ना उसमें, तो वेदत ध्वनि का रूप। बस फिर तो ध्रुव जी ने जो स्तुति करी बिल्कुल वैदिक, योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां, ये श्लोक, जो भीतर बैठ के मेरी सोई हुई वाणी को जगा रहा है उस प्रभु का मैं वंदन करता हूं। सीधे ब्यूटी, 5 साल का बच्चा।
फिर वो देहधारी होता है, क्या नहीं कर सकता। जैसी उपाधि, प्रहलाद जी ने तो बुलाया भी नहीं था उनको, ये उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो हर रूप में वही है और वह हर जगह उपस्थित है, तो उसको एक विशेष देह लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कभी भक्ति पूरी थी लेकिन कभी आवाहन नहीं किया। वो तो जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा ईश्वर जो है वो बिल्कुल थोड़ा बुद्धि भ्रम में चला गया, खुद ही से बात करता है, प्रहलाद जी तो चुप बैठे थे। वो कहता है कहाँ है तेरा ईश्वर, तो उसको अपने आप ही सुनाई दिया हर जगह। वो कहते हैं ऐसा लगा उसको कि प्रहलाद जी कहते हैं हर जगह है, तुम्हारे खड्ग में भी है, इस खंभे में भी है। अच्छा, स्तंभे अस्ति किम न दृश्यते, तो फिर क्यों नहीं दिखाई देता है। और उसने खड्ग से तो स्तंभ के ऊपर वार किया, गुस्से में वार किया। प्रहलाद जी ने कहा नहीं था कि प्रकट हो जाओ, लेकिन क्या श्लोक आता है भागवत में, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य माने अपने सेवक की वाणी को सच करने के लिए कि मेरे भक्त ने कहा कि ये खंभे में भी हैं, तो उसकी वाणी निष्फल नहीं जानी चाहिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, हा ऐसा बढ़िया है, अपने भक्त की वाणी की लाज रखते हैं। वो हमने पिक्चर देखी थी जब तुकाराम जी की, तो उन्होंने भी तो यही कहा ना, महाराज आपका सत्संग बदनाम हो जाएगा, शिवाजी को पकड़ने के लिए लोग आए हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उन्होंने अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए, सभी लोग सब एक दूसरे को शिवाजी देखने लगे, भागे, बोले ये तो कोई बड़ा तांत्रिक आदमी दिखता है। तो ये तो भृत्य की वाणी की भी लज्जा रखने वाला प्रभु है। तब उन्होंने अवतार लिया, नरसिंह भगवान बन के आए। कभी देवता लोग, ऋषि लोग, भूमि सब मिलके प्रार्थना करते हैं, बड़ी भक्ति से करते हैं, तब रामा अवतार होता है, तब कृष्णा अवतार होगा। ध्यान रखना, अवतार एक प्रसंग विशेष में होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन वो उपाधि जो असली है ना अवतार कराने वाली, अवतारी के रूप में उस अरूप को रूपवान दिखाने वाली, उस अदेह को देहधारी के रूप में प्रस्तुत करने वाली, दिखाने वाली जो उपाधि है, उस उपाधि का नाम है भक्ति। तेहि धरि देह चरित करि नाना, उसी अरूप अनीह अनाम ने देह धारण किया और फिर नाना प्रकार से चरित्र करते हैं, क्रोध की भी लीला करते हैं, विरह की लीला करते हैं, आनंद की लीला करते हैं, आहा सब करते हैं, श्रृंगार लीला करते हैं। केवल कृष्ण नहीं, श्री राम भी। ओ महाराज, इतना तो पता नहीं किस गृहस्थ ने किया होगा। तुलसीदास जी बड़े मर्यादा के कवि हैं, इसलिए बड़े छिपा छिपा के लिखते हैं। वो वन में भगवान राम तो माता जानकी को कोई गहना नहीं दे सकते थे, कोई साड़ी भी नहीं दे सकते थे, लेकिन प्रेम तो प्रकट करने के लिए हर समय गहना थोड़ा चाहिए। तो उन्होंने एक दिन अपने हाथ से सारे फूल तोड़े, लक्ष्मण जी से नहीं तोड़वाए, हाँ अपने हाथ से तोड़े, अपने हाथ से माला बनाई।
कितनी मालाएं बनाई होंगी, 20-25 तो जरूर बनाई होंगी। लिखा है पढ़ना कभी, एंजॉय करो उसको। ओ कंकड़ की जगह पे एक माला पहनाई अपने हाथ से, किसी सेवक से नहीं, गले में माला पहनाई, हाथ में पहनाई, बाजू की जगह पर पहनाई, पैरों में पहनाई, श्रृंगार किया जानकी जी का। आप क्या समझते हो ये कैसा गरिमामय श्रृंगार है? जानकी जी बिल्कुल मुग्धा नायिका की तरह अचल बैठी रही। भगवान ने श्रृंगार किया, देखा उनको, फिर उन्हीं के तो पैर पे, जंघे पे सिर रख के सो गए। उपमन में चित्रकूट की बात है। वो इंद्र का बेटा, उसने कहा ये तो महाकामी आदमी दिखता है। इतना तो मैंने किसी प्रेमी प्रेमिका को देखा नहीं, ये इतना लंबा कार्यक्रम। भाई टाइम लगा होगा यार। तो ये सब उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा ये बेमतलब में ऋषि लोग इसको भगवान कहते हैं, इसकी पोल खोलनी चाहिए। कुछ लोगों को इसी में मजा है, प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं पोल खोलना है। तो उसने जाके सीता चरण चोंच हति भागा। सीता कौए का रूप लिया, ध्यान रखना ऐसी वृत्ति ही कौआ है। हाँ, शंका करता रहता है। तो उसने चोंच मारी माता जी के चरण में तो खून निकला। अब वो भगवान सो रहे थे तो हिलाया नहीं उन्होंने। वो खून जब भगवान के शरीर में कहीं लगा गरम गरम, तो आंख खुली, देखा अरे ये किसका साहस है। देखा वो भागा जा रहा है, वो सींक उठा के उसको ऐसे मारा। वो तीनों लोक में भागता रहा, कहीं शरण नहीं, किसी ने बैठने को नहीं कहा, क्योंकि उसकी कुर्सी जानी थी। अगर किसी ने बैठा लिया, ये हमारे देश में छोटे मोटे हाईकमान की हालत है। तो जो असली हाईकमान है तो फिर वो नाराज हो तो कौन बैठाएगा। इंद्र के यहाँ गया कि आप तो हमारे पिता हो, बोले तो भाग जाओ यहाँ से। ये 2 मिनट से ज्यादा खड़े हो गए, वही पता नहीं वहां रिपोर्ट जाएगी क्या होगा। निकलो निकलो यहाँ से। अल्टीमेटली ही केम बैक टू भगवान। उन्होंने कहा चलो शरण में आए हो, तुम्हारा वध तो नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारी आंख जरूर ले लूंगा। तो एक आंख ले ली उसकी, मैंने अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ छोड़ा नहीं उन्होंने। तो हनुमान जी को जब भेजा था उन्होंने लंका में, सुन लो लीला भी सुनो, चरित करी नाना। सगुण में भी बहुत मजा है। तो जब हनुमान जी को भेजा लंका में, तो राम जी ने, क्योंकि ये एकांत की लीला थी, यहां लक्ष्मण जी भी नहीं थे, ये तो दाम्पत्य जीवन की लीला है, तो श्रृंगार कर रहे थे, अकेले में थे, कोई नहीं जानता था इस लीला को। तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि जानकी जी तुमको पहचान जाएंगी कि तुम मेरे भेजे हुए हो, तुम एक बात बताना उनको। तात शक्र सुत कथा सुनाये हु, वो इंद्र के बेटे वाली कथा जाके बताना। बोले महाराज क्या हुआ था उस दिन? बोले सारा डिटेल नहीं बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। उनको ये विश्वास हो जाएगा कि वही राम हैं जो उनसे इतना प्रेम करते थे, और वही राम हैं जिसका अपराध करने पर इंद्र के बेटे को त्रिभुवन में शरण नहीं मिली थी। तो ये रावण किस खेत की मूली है, इसको कहीं शरण मिलने वाली नहीं है। मैं वही राम हूं। हनुमान जी जाके उनको जरूर ये बताना।
इसको बोलते हैं तेहि धरि देह चरित करिनाना। जब फिर देह धारण करते हैं तो क्या क्या चरित्र करते हैं, केवल क्रोध का नहीं, केवल करुणा का नहीं, हर चरित्र करते हैं। वात्सल्य का भी चरित्र करते हैं, आज्ञाकारी होने का भी चरित्र करते हैं, शिष्य बन करके भी शिष्य का चरित्र करते हैं। क्या नहीं करते खिलवाड़ करते हैं बच्चों की तरह तो तेहि धरि देह चरित्र करि नाना। बोले उपाधि क्या है, ये देह धारण क्यों किया उन्होंने, किस उपाधि से देह धारण किया। गोस्वामी जी बोलते हैं सो केवल भगतन हित लागी। यह है उपाधि, केवल शब्द लगा दिया। गीता में लिखा परित्राणाय साधु ना, ध्यान रखना दोनों को मिलाना। प्राय लोग जरा सुखी वाली बात करते हैं कि जब धर्म की ग्लानी होती है तब भगवान अवतार लेते। धर्म की ग्लानी होने मात्र से अवतार अवतार नहीं लेते, धर्म की ग्लानी होने से उनके भक्त दुखी होते हैं। तो अपने भक्तों का दुख उनको नहीं देखा जाता। तो नीचे पंक्ति भी पढ़ लेना हो, परित्राणाय साधु नाम, मैं तो उन्हीं के लिए आता हूं, मैं तो उस केवट के लिए आता हूं, मैं तो उस शबरी के लिए आता हूं, मैं वशिष्ठ के लिए आता हूं, अगस्त के लिए आता हूं, सुतीक्ष्ण के लिए आता हूं, शरभंग ऋषि के लिए आता हूं, वाल्मीकि के लिए आता हूं, भरद्वाज के लिए आता हूं, अत्रि अनसुया के लिए आता हूं। मैं कोई रावण को मारने के लिए क्या जाने की जरूरत है, वो तो संकल्प मात्रेण नश्यति। लेकिन शबरी कहती है आंख से देखूंगी, तो वो तो संकल्प से कैसे होगा। केवट कहता है मैं पार उतारूंगा, बड़ा चले थे आप सबको पार उतारने वाले, कोई ऐसा काम बने जिसमें आप फंसो और मैं आपको पार उतारूं। हर समय आप ही बाप बने रहते हो, मैं बाप बनना चाहता हूं, दशरथ जी की ये इच्छा थी। अब ये संकल्प से कैसे होगा, ये तो अवतार लेना ही पड़ेगा ना। फिर सो केवल भगतन हित, केवल शब्द लिखते हैं, सो केवल भगतन हित लागी। क्यों, क्योंकि ईश्वर जो आनंद रूप है, जो आनंद का ही एक रूप होता है कृपा। आप जब भीतर आनंद में होते हो ना, तो आनंद बांटते हो, माने यू डोंट लव पीपुल फॉर द जॉय, यू लव पीपुल आउट ऑफ जॉय। ठीक है ना। तो जो आनंद रूप है उसी का सोपाधिक रूप बनता है कृपा। भगवान बोलते हैं परम कृपाल। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा का सोपाधिक रूप भी बड़ा मीठा है, परम कृपाल। और अगर कोई शरणागत हो तो प्रणत अनुरागी, जो शरणागत है उससे तो प्रेम करते हैं कृपा के अलावा। देखो शब्द कैसे लगते हैं, गोस्वामी जी चुन चुन के मोती की तरह जड़ते हैं, जैसे गहने में जड़ा जाता है ना। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, सो केवल भगतन हित लागी। मालूम है उपाधि के संदर्भ में तो ईश्वर में ममता भी है। बोले अरे हमको उपदेश दिया जाता है ममता नहीं करना, ममता नहीं करना, ईश्वर में ही ममता है। बोले है, बिल्कुल है।
जेहि जन पर ममता, देखना पंक्तियां देखना, जेहि जन पर ममता, जन माने भक्त होता है, जो अपने भक्त से ममता रखता है, ममता माने ये मेरा है। बोले महाराज ये, बोले यस ये होता ही है। उपाधि किम न करोती, विशाल सूरज को छोटा दिखा सकती है, सर्वम कर्तुम शक्यते। जेहिं जन पर ममता, और इसलिए अति छोहु बड़ा प्रेम है, भगवान की नजर में प्रेम झरता है अपने भक्त के प्रति, और करुणा कर दी तो फिर उस पर कभी क्रोध नहीं करते, ये भी उनका स्वभाव है। जे ही करुणा करी कीन न कोहू। सुग्रीव पर करुणा कर दी, उसने अपराध किया, भूल गया भगवान को, भूल गया महाराज, उसने कहा था सब प्रकार करिहों सेवकाई, वादा किया था, सब परिहरी करिहों सेवकाई, इधर वादा किया था। और जब राजा बन गया तो बहुत दिनों से पिटा पिटाया था, असल में बहुत मारा था बाली ने उसको, और जगह जगह भटकता भटकता भटकता, तो जब मिला उसको राजपाट सब ऐश्वर्य विलास, तो एकदम भूल गया। भगवान 4 महीने बरसात में गुफा में पड़े रहे लक्ष्मण जी के साथ, आनंद से पड़े रहे, हाँ ऐसा नहीं, केवल थोड़ा मच्छर काटते थे। मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, लिखा है वहां। जब सर्दी आई ना तो भगवान ने वहां कहा, मसक दंश बीते हिम त्रासा, ये सर्दी आ गई, अब मच्छरों का दंश तो पूरा हुआ, थैंक गॉड, भगवान ने कहा थैंक गॉड। मैंने उन मच्छरों का भी कमाल है, बताओ भगवान की त्वचा में डिप मारते, वहां से लिया होगा, पता नहीं क्या उनका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य, आई डोंट नो। लेकिन वो क्या वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं लक्ष्मण जी के साथ, बाद में अंत अंत में कहा, लक्ष्मण देखो भला इतना दिन हो गया जानकी जी की खोज पूरी नहीं हुई, सुग्रीव हूं सुधी मोरी बिसारी, इस सुग्रीव ने भी मेरी सुधी बुला दी, उसने कहा था मुझसे वादा किया था, मैंने उसको राज दिलाया, वो भूल गया बेवकूफ। पावा राज कोश पुर नारी, सब कुछ मिल गया उसको, नाउ इज एंजॉयिंग हिज लाइफ एंड फॉरगॉटन मी कि ही हैज सम जॉब टू डू। लक्ष्मण जी उसको याद दिलाना पड़ेगा कि जिस बाण से बाली मरा था वो बाण तो राम जी का बाण फिर वापस आता है, तो बोले वो बाण तो उसी तरकस में रखा हुआ है, अभी गया नहीं है कहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बड़े भाई साहब को आपने निपटाया था, ये छोटे को मैं आता हूँ निपटा के। अरे रे ऐसा नहीं करना। तात सखा सुग्रीव, अरे सुग्रीव मेरा मित्र, मैंने उसको ये शब्द बोल दिया है कि तुम मेरे मित्र हो, मारना नहीं, भय दिखाई ले आयो, उसको जरा डराओ रास्ते पे ले आओ। इसको बोलते हैं जही करुणा करी की न कहो, और मारने लायक काम किया था लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरा मित्र है, मैंने उसको मुंह से बोला सखा, बस दैट इज एनफ। विभीषण ने भी गलतियां की बाद में, बताऊंगा नहीं। सोई करतूती विभीषण की नहीं, लिखा गोस्वामी जी, लेकिन नहीं। तो
भगवान का भक्तों के लिए ऐसा स्वभाव है, भक्ति की उपाधि से भगवान करुणामय है, अपना लेते हैं, मेरा कह के बोलते हैं, मेरा कह के बोलते हैं। आप सोचो, सच में तो दुनिया में जितने लोग मुझे मेरा कहते हैं वो उसमें 5-10% ही मेरा होता है। मेरा होता है लेकिन कोई 10%, कोई 15%। जैसे ही टाइट कॉर्नर होगा मेरा निकल जाता है। आभासते न अस्ति, केवल भासता है, होता नहीं। आदमी की व्यथा यही है कि उसके हृदय में ये बार बार भाव जागता है कि कोई अपना नहीं है। ये तो उसकी व्यथा है। और इतने लोग अपना बोलते भी हैं, क्या मजा है। 100-150 लोग मेरा मेरा बोलते हैं, पर जो जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, ही डजंट फील दैट वे कि कोई अपना मुझको पूरी तरह से मानता है। कोई 5%, कोई 10%, कोई मौका आने की बात है, परख हो जाएगी। ये ऐसे समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। हो सकता है आपका ऐसा अनुभव ना हो, लेकिन अपना अपना ऐसा ही लगता है, देखने में तो ऐसा ही लगता है। सब क्रैक दीवार के ऊपर पेंटिंग है। संबंधों का ऐसा ही समझ में आता है, चाहे वो जैसा भी हो, सच्चाई यही लगती है कि भीतर से क्रैक हो चुका है, अब ऊपर से थोड़ा सा सीमेंट लगा के वो पेंट पेंट कर छिपा दिया। इट डज नॉट गिव अस सेटिस्फेक्शन। ये जो रिलेशंस है, मतलब भगवान जिसको मेरा कहें और ऐसा मेरा कहें कि फिर कभी क्रोध न करें। देखो क्या पंक्ति बोलते हैं, जहीं जन पर ममता अति छोहु, जहीं करुणा करी कीन्ह न कोहु। हाँ, गई बहोर गरीब ने बाजो। जो हमारे जीवन से जो चीजें लुट गई, छूट गई, उसको वापस करते हैं। गई बहोर, और उनका स्वभाव है केवल गुणवान से प्रेम नहीं करते, केवल धनवान से, बलवान से, ज्ञानवान से प्रेम नहीं करते। गरीब ने बाजू, जो उनके सामने ऐसा बोल देता है कि महाराज मेरे में तो कोई दम नहीं है, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य है नहीं, अपने अवगुण में बोल नहीं सकता, कितने विकार हैं, सब दुनिया भर की चीजें हैं, मैं कैसे बोलूं कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं कैसे बोलूं विवेकवान हूं। गरीब मने ये होता है, अपने को भगवान के सामने असमर्थ अनुभव करना। और सच्चाई है वो, कोई अनुभव बनावट नहीं है, सच्चाई है। एक विकार तो हमसे संभलता नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए, आई टेल यू आई फेल टू हैंडल इट। देख लो, कहीं अपमान हो जाए, कहीं मान हो जाए, कहीं प्रशंसा हो, कहीं आई कैनॉट इवन डील सक्सेस ऑल्सो इन ए राइट मैनर। सफलता भी दिमाग खराब कर देती है, असफलता तोड़ देती है, सफलता दिमाग खराब करती है। दिस इज वॉट वी आर, वी माइट बी थिंकिंग अबाउट। वो भी तो गलती, असली बात तो यही है कि हम गरीब हैं, हमारे पास क्या आध्यात्मिक संपत्ति है। विभीषण जैसा
समृद्ध व्यक्ति, रावण का भाई था, महामंत्री था लंका के दरबार में। जब सही आदमी मिला तो उसके सामने उन्होंने अपनी गरीबी बताई। हनुमान जी सबके सामने बोला भी नहीं जा सकता, क्यों बोला जाए? सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। गलत आदमी के सामने अपनी गरीबी बताओ तो वो अकड़ने लगता है, हंसी उड़ाता है। रहीमन मन की व्यथा को मन में राखो बोल, रहीमदास जी बोलते हैं, भीतर की व्यथा को भीतर ही रखो। तो कोई बांटने वाला नहीं है, सही आदमी होए तभी बोला जा सकता है। तो हनुमान जी जब विभीषण के सामने गए तो विभीषण ने अपने कुछ जाहिर किया, बोले तामस तन। हनुमान जी वो तो ठीक है, तुलसी के पौधे लगे हैं हमारे महल में, मंदिर भी बना है, राम राम बोलता भी हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि तामस तन कछु साधन नहीं, ये शरीर तामसिक है, मैंने कोई साधन वादन किया नहीं। प्रीति न पद सरोज मन माही, भगवान के प्रति कोई प्रेम भी खास नहीं है। बोलता है ये मेरी गरीबी है, न तो मेरे पास साधन भजन है, न प्रभु के प्रति कोई विशेष प्रेम दिखता है, तो क्या करिए ही कृपा, क्या भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे ऐसे गरीब पर। हनुमान जी ने कहा साधना का एक बहुत बड़ा आधार होता है एकाग्रता, है ना? और एकाग्रता की दुश्मनी है बानरों से, ठीक है ना? वानर कभी एक जगह नहीं रह सकता। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाएगी, वो कितनी देर तक एक शाखा पे कूदेगा। हनुमान जी ने कहा देखो उस योनि में मेरा जन्म हुआ है, जिस योनि का एकाग्रता से विरोध है उस योनि में मेरा जन्म हुआ है, मैं कौन सा बड़ा साधक हूं? मेरा तो कोई नाम ले ले तो उसको भूखो रहना पड़ेगा, ऐसा बोला हनुमान जी ने। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा। हनुमान जी ने कहा मैं तो केवल अपनी गरीबी बता देता हूं, मेरे ऊपर जब भगवान ने कृपा की तो तुम तो फिर भी मनुष्य हो, ऋषि की संतान हो, भरोसा दिलाया। गरीब नवाजू, गरीब को आश्रय देते हैं, जो समझता है सच्चाई से कि हाँ अपने भीतर बहुत गरीबी है। वो स्वामी जी ने दोहावली एक ग्रंथ है उनका, 13 ग्रंथ है उनके पर, तो दोहावली एक ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा कि भगवान गरीब निवाज है, दोहा है अगर मुझे याद आ जाए पूरा तो, मणि माणिक महंगो कियो। बोले भगवान को देखिए तो कमाल, मणि माणिक के सोना चांदी ये सब महंगा कर दिया, एक जगह छिपा दिया कहीं, उसको खोदो प्रोसेस करो चमकाओ फिर गहना बनाओ तो महंगा तो हो ही जाएगा, हीरा मोती सब जो है महंगो कियो, इसके बिना जीवन चल जाता है। मणि माणिक महंगो कियो सहंगो कैसे सहंगो जल नाज, ऐसे करके एक बीच में एक और शब्द है, तो वायु धूप पानी और अनाज और पत्ते माने सब्जी जिसको आप बोलते हैं, सहंगो सहंगो मैंने सस्ता किया क्योंकि इसके बिना नहीं चलता,
मणि माणिक महंगो कियो सहंगो, एक शब्द मिसिंग है, जल नाच तुलसी ताते जानिए राम गरीब निवास। तुलसीदास जी कहते हैं अरे मनुष्यों इतनी बात से समझो कि राम जी गरीबों के फेवर करते हैं। जो चीज सबके लिए जरूरी है उसको सबसे सस्ता कर रखा है, फ्री कर रखा है, ऑक्सीजन फ्री, धूप फ्री, पानी अभी जरा बोतल में आने लगा, अदरवाइज फ्री। तो ये सब सस्ता है, बिल्कुल हाईली सब्सिडाइज्ड, और जिसको सामर्थ्य है उसके लिए बोले लाओ तुमको कसता हूं। तो मणि माणिक महंगो कियो, इतना सा सोना आजकल पता नहीं क्या 20,000 कुछ बताते हैं तोला, तब से कृष्णमूर्ति जी पीछे पड़ेंगे, नहीं नहीं स्वर्ण कलश वाली बात छोड़ दीजिए अब आप। अरे मैं कहता हूं कैसे छोड़ दी जाए, सोना तो सोना ही होता है भी फिर। तो क्या बोलते हैं बाबा, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल तुलसी बाबा बोलते हैं समझने की बात है, भगवान बहुत सरल है और सरलता से प्यार करते हैं, लेकिन टेढ़ा बनोगे तो सबल। हाँ, सरल एक ही साथ क्या क्या लिखते हैं, सरल सबल साहिब रघुराजू। याद आ गया एक प्रसंग, हमारे एक ट्रस्टी महोदय थे लखनऊ में, चिन्मय सेवा ट्रस्ट लखनऊ में, बड़ी योजना थी वहां, वो हो नहीं पाई लेकिन हुई कुछ ना कुछ, तो हो ही रही, बढ़ भी रही है। तो एक ट्रस्टी थे वो जरा टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे, तो गुरुदेव ने उनको लिखा, माय डियर शुक्ला जी, शुक्ला जी थे, उनको लिखा माय डियर शुक्ला जी लेट मी लव यू। ये वाक्य था, लेट मी लव यू बट If you play with me, this saffron rope is not chain on me. I can play with you in a better manner. I tell you, वो लेटर मैंने देखा, खुद पढ़ा है, कोई सुना वाली बात नहीं है। I was astonished, मजा भी आया बहुत मुझे, क्योंकि गुरुदेव का स्वभाव ही ऐसा था, उस सिंह जैसा मामला था। पहला वाक्य बोलते हैं वी लवेबल यार, लेट मी लव यू, आई वॉन्ट टू लव यू बट यू आर नॉट अ लविंग, इसलिए लिखा। और शुक्ला जी बेवकूफ आदमी, उन्होंने मुझे वो लेटर दिखाया कि गुरुदेव का लेटर आया, मैंने कहा लिखा क्या है वो भी तो पढ़ो। सरल, लेकिन उन्होंने कहा दिस इज नॉट चेन ऑन मी। अरे रामा, सरल लेकिन सबल साहिब रघुराजो, गई बहोर गरीब निवाजो, बुध बर नहीं हरि जस अस जान। जो ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, वो भगवान का यश वर्णन करते समय ये ज्ञान रखते हैं कि अरूप रूप भी है, अनाम नाम भी है, जिसमें कोई क्रिया नहीं उसमें नाना चरित्र हैं। उपाधियों के संदर्भ में वो व्यापक भी है, विश्व रूप भी है, भगवान भी है, अवतारी भी है, अरे इतना ही नहीं काल रूप है, दुष्ट हृदय की उपाधि से हो जब ईश्वर को देखा जाता है, भक्ति की हृदय की उपाधि से तो वो अवतारी है, करुणा है,
लेकिन ध्यान रखना, उपाधि बदल दो फिर देखो। दुष्ट हृदय की उपाधि में वो काल रूप है, बिल्कुल इतना क्रूर भासता है प्रभु कि लोग कहने लगते हैं कि इज देयर एनी गॉड, एनी फैट ऑल ही इज ही कैन नॉट बी काइंड। अरुण शौरी ने एक, आप में से पता नहीं कुछ लोगों को पता होगा, एक लिखा उन्होंने किताब गॉड इज नॉट काइंड, नई किताब आई। उन्होंने, अब वो विद्वान व्यक्ति हैं वैसे, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बुक फ्रॉम हिम। तो पढ़िएगा आप लोग, या नेट में आया होगा तो मुझे मालूम नहीं, इन्फॉर्मेशन तो आई होगी। जनरली ही राइट्स वेरी नाइसली, लेकिन उन्होंने अपनी व्यथा की उपाधि से क्योंकि उनका लड़का विकलांग है, यू नो, तो अपनी नित्य क्रिया भी वो नहीं कर सकता, तो बचपन से उसको संभाल रहे हैं, बड़ा भी हो गया वो तो। और फिर वो विश्व की पूरी स्टैटिस्टिक्स जुटाते हैं कि कहाँ विकलांगता क्या है, कैसे है, क्यों, तो बोले गॉड इज नॉट काइंड। ऐसा भी लग सकता है ईश्वर, तो उपाधि का मामला है। बीच में आप कौन सी उपाधि धारण करके देखते हो उसको, बात इतनी है। बुध वर नहीं, इसलिए सोपाधिक ईश्वर में ये असंभव है ये कभी मत बोलना। सोपाधिक ईश्वर में सब संभव है, शर्त यह है कि आप कौन सी उपाधि लेके उसको देख रहे हो। वो महाकुटिल हो सकता है, जिम्मेदारी से बोलता हूं, शकुनी से पूछ लेना। शकुनी को एक ही बात का अफसोस रहा कि इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा चालबाज, कुटिल, साजिशी एक आदमी है, उसका नाम है कृष्ण। मेरी हर चाल को फेल कर देता है। तो जब दुर्योधन गया ना, उसने कहा कि तो अर्जुन बेवकूफ है, देखो सेना उसको मिल रही थी वो लिया नहीं, निशस्त्र कृष्ण को ले लिया, मेरे पास पूरी यादवी सेना आई है, मामा जी मैं तो आज बिल्कुल समृद्ध हो गया। शकुन ने कहा तुम मूर्ख हो, वो कृष्ण अकेले सारी सेना पर इतना भारी पड़ेगा, उसकी चालें जो हैं ब्रह्मास्त्र से बड़ी होती हैं। देखो तो वो कुटिल के लिए महाकुटिल, दुष्ट के लिए काल, बिल्कुल दुष्कर्म का जब फल देता है तो बिल्कुल लगता है क्रूर करुणा है ही नहीं। गतिर भरता प्रभु, देखो इसको सोपाधि की ईश्वर बोलते हैं गीता जी में। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, नवे अध्याय का 18वां श्लोक होगा। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, इतने नाम है। पिता हमस्य जगतः, मैं जगत का बाप हूं। बोले माता जी कौन है, मैं ही हूं। लो बोले ये तो गड़बड़ है, वो न दो गड़बड़। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुर्वेद, मैं ही हूं सब। उपाधि की बात करोगे तो मैं कुछ भी हूं। अर्जुन ने देखा ये तो सब उसके दांत में अटके हुए हैं कर्ण और दुर्योधन। तो यहां तो गोस्वामी जी ने तो भक्ति की उपाधि से उसका बड़ा मीठा मीठा वाला रूप दिखाया है, लेकिन ये जाने रहना आप,
कि जब वो सोपादिक होता है तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। निरुपाधिक है तो बिल्कुल एक अनि अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा, ईश्वर को पूरा समझो फिर वर्णन करो, क्या होगा उससे? बोले वाणी सफल हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। इस विद्वानों के इसी विज्ञान के बल पर अब मैं कथा करूंगा। तेहि बल मैं रघुपति, नीचे की पंक्ति, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूं नाई राम पद माथा। अब भगवान को प्रणाम करके अब मैं भगवान के, भगवान राम के, एक अवतारी राम के गुणों का गान करूंगा। बोले महाराज ये आपका मौलिक रचना है? बोले कोई मौलिक वौलिक नहीं है, मौलिकता में तो मेरा विश्वास ही नहीं, परंपरा में विश्वास। मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई, मुनियों ने पहले ही गाया हुआ है, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, उसी रास्ते पे चलने में मुझे अच्छा लगता है। परंपरा प्रेमी हूं, हाँ, दिस इज माई ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल कुछ नहीं, सत्य हमेशा पुराना ही होता है। सत्य नया हो तो इसका मतलब पहले नहीं था, वो पहले नहीं था तो वो तो फिर झूठ है। जो शाश्वत नहीं है वो सत्य कैसे होगा? तो सत्य को पुराना ही होना चाहिए, ओरिजिनल क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो उसी परंपरा में चलूंगा। अपार सरिता हो, कोई राजा उस पर पुल बना दे, अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराए, राजा अगर उस पर पुल बना दे तो चींटी भी वो पुल के सहारे सहारे पार हो जाती है। परंपरा एक पुल है, ये चढ़ी पिपीली को परम लगो बिनु श्रम पा रही जाए, पिपीली का मैंने चींटी। बोले तो मैं तो परंपरा के सहारे जीता हूं, अपने सहारे नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल परंपरावादी गुरु परंपरा के अनुसार चलने वाला हूं। गोस्वामी जी ने ये रामायण करके बता दिया और उसका जो विस्तार है वो पूरा रामायण है। ये आपके सामने बीज रामायण दिया, आपको रेफरेंस के लिए कभी एंजॉय करना हो तो पढ़िए। भगवान जब ये सोपादिक निरुपाधिक का जो रेफरेंस, भगवान जब स्वयंवर में खड़े हुए ना, सीता जी के स्वयंवर में, तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी के लिए आसन लगाया गया था, तो वो भगवान राम और लक्ष्मण को लेके, दो चेलों को लेके, चेले भी अच्छे होने चाहिए। गुरुदेव महाराज ही टू फील प्राउड किए थे, हमारे ऐसे ऐसे चेले हैं, मजाक है। तो राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे आसन पर, जब बैठे तो उनको लोग देखते हैं, पूरी सभा देखती है, लेकिन सबका देखना एक जैसा नहीं है, क्योंकि सबके अंतःकरण की उपाधि अलग अलग है। तो वहां जिसकी जैसी उपाधि थी वैसा भगवान को देखा, जय के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये मैं दोहा दिखा दूं, नंबर बता दूं। बोलते हैं 240 बाल कांड का 240, 240 दोहे के आगे की पांचवी पंक्ति है, बल्कि चौथी पंक्ति है,
मिला 240, जिनके रही मिला, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तिन देखी तैसी, देखई रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो वीर अंतःकरण का है वो भगवान को लगता है कि अरे तो स्वयं वीर रस है। भगवान कैसे दिखते हैं उसको? सच्चिदानंद नहीं, वीर रस दिखाई देते हैं। देखो, डरे कुटिल जो कुटिल राजा हैं, कुटिल अंतःकरण की उपाधि से देख रहे हैं तो लिखते हैं, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूरत। इतने खूबसूरत थे भगवान, उनको भयानक लगता, ये कहां से आ गया मनो भयानक मूर्ति भारी। और जो असुर वगैरह जो है ना छिप के बैठे थे, इसको बंद कर दो, जो असुर बैठे थे उनको कैसा दिखा? बोले, रहे असुर छल छोनी पवेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सुन देखा। मैंने कहा था ना, ये न समझना कि सबके लिए बड़ा कोमल कोमल, ना 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 ना, गड़बड़ झाला लोगों के लिए बहुत गड़बड़ है एकदम उपाधि बदली, उनका काम बदला। तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और नगरवासियों को कैसे देखते हैं? नगरवासियों को लगा कि मेरी आंखें सफल हो गई। पूर्वासिन देखे दो भाव, नर भूषण लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं लगा उनको श्रृंगार रस है। विदुषण जो विद्वान लोग हैं वो प्रभु को विश्वरूप देखते हैं, हैं तो वो एक व्यक्ति के रूप में लेकिन उनको दिखाई देता है विराट। विदुषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। और जनक के परिवार के लोग कैसे देखते हैं? चलो, उनको अपने सजन लगते हैं। ये सजन शब्द जो है ना, ये संस्कृत का शब्द है स्वजन, ठीक है ना? हिंदी में अपभ्रंश हो गया तो सजन सजनी ऐसा बोलते हैं। वो स्वजन है शब्द, अपना सगा, सजन सगे प्रिय ला कहीं जैसे। अब सजन का आजकल अर्थ केवल पति होता है ना, पति या प्रेमी जो भी है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ, क्योंकि सारे जनक के सारे परिवार को प्रभु राम कैसे लगते हैं? सजन। तो वो जो फिल्मी वाला सजन है वो तो बहुत गड़बड़ है, ये न करना आप ये स्वजन का सजन है। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, रानी राजा देखते हैं जैसे हमारा बच्चा हो, दामाद बनने वाला है ना, तो ले हमारा बच्चा है। जोगियों को कैसा दिखता है? परम तत्वमय दिशा, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। भक्तों को लगता है हमारे इष्ट देव है। और सीता जी को कैसा लगता है? ओ गड़बड़ हो गई। सीता जी कैसे देखती हैं प्रभु को? उनके अंतःकरण की उपाधि सोचो बोलते हैं, राम ही चितव भाए जय सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। गोस्वामी जी ने कहा, कुछ तो कहिए। बोले, अरे क्या बात करते हो, वो भगवती हैं, उनके अंतःकरण की उपाधि हम जानते ही नहीं उनके बारे में मैं क्या बोलूं कि वो कैसा उनमें सुख था और क्या स्नेह था। वो भी गोस्वामी जी ने कहा, अगर तुम जानकी माता से पूछोगे तो वो बता नहीं पाएंगी, अनुभव कर रही है वो। पूर्व अनुभवती न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। कवियों की क्या बात है, सीता जी खुद नहीं बता सकती कि मैं क्या अनुभव कर रही हूं,
अनुभव कर रही है। यही विधि रहा जाहि जस भाव, यह है उपाधि। जिसमें जैसा भाव था तेही तस देखेउ कौशल राउ, तेही तस देखेउ कौशल राउ, ये इसको बोलते हैं उपाधि। इसलिए एक खांचे में ईश्वर को न डालना, अनंत को न फ्रेम में कसने की जरूरत नहीं है, कस नहीं पाओगे। जितनी उपाधि उतने रूप, उतने नाम, उतने चरित्र, अनंत तो फिर अनंत ही है। बीज रूप में बहुत प्यारी बात गोस्वामी ने कही, बस दो शब्द याद रखो, सोपाधिक निरुपाधिक। निरुपाधिक बिल्कुल एक ही है, वो वहां वैविध्य नहीं है। उपाधि में आओगे तो ये मत बोलना कि ईश्वर ऐसा नहीं नहीं हो सकता, ये मत बोलना, गलत हो जाएगा। वो सब हो सकता है। ओम शैलेश कुछ बोलेंगे, मैं पाठ करूं इसको, अपने बीच वाले रामायण का पाठ करके आरती। तो विलंब हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब गाइए, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत तदपि कहे बिनु रहन कोई, तदपि कहे कहाँ वेद अस कारण राखा, कहाँ वेद अस भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, एक अनिहय रूप नामा, एक अज सच्चिदानंद पर व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहीं धरि देह चरित करि नाना, धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि कन परम ममता
करुणा करी किन्हन को हो, जहि करुणा करी जहि करुणा करी किन्हन को हो। सरल सबल साहिब रघुराजु, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, बुध बर जस यस जानी करही पुनीत सफल निज बानी, करही पुनीत सफल तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, रघुपति गुण कही हूँ नाई राम पद माता, प्रथम मुनि न हरि कीरति गाई, प्रथम तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, अति अपार जय सरित बर, जान रपसे तु कराही, चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, कौ परम लघु बिनु श्रम पारही जाही, बिनु श्रम पारही जा सियावर रामचंद्र की है, पवन सुत हनुमान की है। बोलो भाई सब संतन की है, उमापति महादेव की जय। एक साथ गाएंगे आरती, आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलि कलित सिया, आरती श्री रामायण गावत
जन का दिशे शयरु सारद बरनि पवन सुत कीरति आरति श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्ट दश छव शास्त्र सब ग्रंथन को रस धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही आरति श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी करुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रज बखानी काग भूषण गरुण के की आरती श्री रामायण कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार रोग भव मात सब दुल आरती श्री रामायण जी कीरति कली कली आरती श्री चंद्र भगवान की अवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।